हे महादेव, यदि नारायण किसी भी रूप में यहाँ भार्गवी को अपने साथ ले जाने आए हैं तो मुझे ये जानना है। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपको मेरी भक्ति का मान रखना होगा महादेव, आपको मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। ये कैसा धर्म संकट है महादेव? यदि आप ऋषि भृगु को सत्य बताते हैं तो श्रीनिवास और भार्गवी की ये प्रेम कथा ना जाने किस मार्ग पर चली जाएगी। और यदि आप सत्य नहीं बताते तो ये आपके प्रति ऋषि भृगु की निष्ठा का अपमान होगा। हाँ गौर, ये मेरे लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब तक मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि श्रीनिवास भार्गवी की इस प्रेम कथा का मैं केवल एक साक्षी मात्र हूं। इनकी इस प्रेम कथा में इन्हें मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी कि श्रीनिवास अपनी श्री को, अपनी भार्गवी को मेरी सहायता के बिना ही अपने साथ ले जाएंगे। परंतु अब ऐसा लग रहा है कि मुझे भी इनकी इस प्रेम गाथा का एक पात्र बनना ही होगा। तो क्या इसका तात्पर्य ये है कि आप ऋषि भृगु को ये संकेत दे देंगे कि नारायण अपनी लक्ष्मी को लेने आ चुके हैं? तो महादेव, श्रीनिवास और भार्गवी कैसे एक हो पाएंगे? मैं समझ गया ऋषि भृगु कि आप ये यज्ञ करके क्या ज्ञात करना चाहते हैं। गोविंदराज, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे, तुमने ही तो कहा था कि भार्गवी और उसके परिवार से आज मुझे मिलवा कर ही रहोगे। अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो तुम घबरा रहे हो। देखो श्रीनिवास, मैं भली भांति समझता हूँ कि ऐसी पारिवारिक भेंटों में थोड़ा भय लगता है, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक होगा, ये भेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। आओ चलो, मिलते हैं सबसे। नहीं गोविंदराज, अभी वहां जाना उचित नहीं होगा। अरे पर श्रीनिवास, तुमने सवेरे सवेरे उठकर अपने हाथों से उनके लिए लड्डू बनाए हैं, उन्हें बिना दिए वो कैसे जा सकते हो तुम? मैं तब तक इस यज्ञ से नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते महादेव। आपको बताना ही होगा कि नारायण आए हैं या नहीं अपनी लक्ष्मी को, मेरी भार्गवी को मुझसे लेने। यदि इन्हें ज्ञात हो गया कि मैं यहां हूं तो भार्गवी और मैं कभी एक नहीं हो पाएंगे। चलिए गोविंदराज, हमें यहां से चलना होगा। अरे श्रीनिवास को क्या हो गया है आज? मुझे तो देखा भी नहीं, और अब गोविंदराज को भी यहाँ से खींच कर लेकर जा रहा है। मुझे और बाबा से मिले बिना क्यों जा रहा है वो वहाँ से? तो मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठा हूँ महादेव, आपको हमारी भक्ति और श्रद्धा का मान रखना ही होगा। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कोई तो संकेत दीजिए महादेव जिससे मुझे
मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। मैं जानता हूं कि ऋषि भृगु के इस प्रश्न ने आपको कितने बड़े धर्म संकट में डाल दिया है, और मैं आपको अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोकूंगा। हे आराध्य, मैं जानता अपनी श्री को, अपनी लक्ष्मी को पुनः पाने के लिए आप जो अथक अटूट प्रयास कर रहे हैं वो मुझसे छिपा नहीं, परंतु मैं भी अपने कर्म से विवश हूं। मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है आराध्य, और भक्त की पुकार का उत्तर देना मेरा दायित्व है, मेरा कर्म। मुझे ऋषि भृगु के इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। मुझे मेरे प्रेम पर, मेरी भार्गवी पर पूर्ण विश्वास है महादेव। आप बिना किसी ग्लानी के अपना धर्म निभाइए। श्रीनिवास अपनी श्री को पाकर ही रहेगा। तो संकेत दीजिए महादेव, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। गठबंधन जैसा संकेत, अर्थात नारायण यहां पहुंच गए हैं अपनी भार्गवी को लेने। मेरा संदेह उचित निकला। कैसा संदेह बाबा? आवश्यक ये नहीं कि संदेह क्या था, आवश्यक ये है कि मेरा यज्ञ पूर्ण हो चुका है और मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मुझे भार्गवी का विवाह शीघ्र अति शीघ्र किसी से कराना ही होगा। उसके लिए एक उचित वर खोजना ही होगा मुझे। बताया था ना मैंने, भार्गवी और पद्मावती की कुंडली बहुत मिलती है, अर्थात भार्गवी का विवाह भी निश्चित करना होगा। पद्मावती के स्वयंवर की घोषणा हो चुकी है, जो सर्वश्रेष्ठ नर्तक होगा राजकुमारी उसी से विवाह करें। अब एक ऐसे ही स्वयंवर की घोषणा मुझे अपनी पुत्री के लिए भी करनी है, वो भी शीघ्र अति शीघ्र। नहीं पिताश्री, आपने ये निर्णय लिया कि मेरा विवाह होगा, मैंने स्वीकारा। मेरा विवाह कब होगा आपने ये निर्णय लिया, मैंने वो भी स्वीकारा। किंतु अब आप मेरे स्वयंवर की घोषणा करना चाहते हैं। एक बार मुझसे पूछिए कि मैं क्या चाहती हूँ।
मैं क्या चाहती हूँ मुझसे? आज पहली बार मेरी पुत्री भार्गवी ने मेरे निर्णय पर सवाल उठाया है। अवश्य ही इसका संबंध नारायण के यहाँ आने से है। चाहे जो भी हो, मैं नारायण को मेरी भार्गवी को नहीं ले जाने दूंगा, कदापि नहीं।